राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग की ओर से चंद्रपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार शुभारंभ किया गया। तो आइए जानते हैं इसका शानदार शुभारंभ कहाँ हुआ और इस मौके पर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा इस खबर में। राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग की ओर से दूसरे चंद्रपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार शुभारंभ मिराज सिनेमा में किया गया। इस मौके पर राज्य की वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, फिल्म निर्देशक जब्बार पटेल, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल के साथ अन्य फिल्मी कलाकार, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शहर के प्रतिष्ठित नागरिक के साथ आम नागरिकों की भारी संख्या में उपस्थिति थी। मान्यवरों के पहुंचने के पश्चात उनका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही महाराष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच पर कलाकारों ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर सभी का दिल जीता। वहीं इस मौके पर पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मीडिया प्रतिनिधि के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जे नितिन देसाई जे आपल्या महाराष्ट्राची खरं तर सांस्कृतिक ऍसेट होती, दुर्दैवाने आज आमच्यात नाही, पण त्यांनी एक स्वप्न बघितलं आणि या दृष्टीने सुद्धा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी व माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा तिघांनीही एकमताने निर्णय केला की एनडी स्टुडिओ आपण घेतला पाहिजे आणि त्यामध्ये मराठी चित्रपटांना आणि इतर भाषिक चित्रपटांनासुद्धा या ठिकाणी शूटिंग करता यावी अशा व्यवस्था आपण निर्माण केल्या पाहिजे। आम्हीसुद्धा त्यामध्ये सहभागी होतो आहे। दिग्दर्शक किंवा निर्मात्याचा एनओसी एकत्रित संकलित करण्यामध्ये खूप वेळ झाला आणि म्हणून वन विंडो सिस्टीम आमची जी आहे त्याला अजून सहजता, सुलभता आणि सरळता या माध्यमातून वन विंडो सिस्टीमला अतिशय कारगर करण्याच्या दृष्टीने आम्ही मंत्रिमंडळात चालू आहे। आणि यासोबतच आपल्या चित्रनगरीच्या बाहेर, फिल्म सिटीच्या बाहेर जर शूटिंग केली तर त्याला काही पैसे द्यावे लागतात आणि आम्ही मंत्रिमंडळासमोर चालू आहे की इथं निःशुल्क आपण शूटिंगसाठी या ठिकाणी कोणतंही शुल्क न आकारता एनओसी द्यायची आणि त्याला शूटिंग करू द्यायची, अन्यथा आज। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ आकर्षक झलकियां सीटीवी प्रतिनिधि वैभव रियारकर की नजर से।